भागलपुर की सुल्तानगंज में देर रात प्रेमी के घर धरने पर बैठी एक युवती की महिला थानेदार किरण सोनी ने जमकर पिटाई कर दी। महिला थानेदार एक के बाद एक थप्पड़ जड़ती रही और प्रीता के बाल को पकड़कर घसीटते हुए अस्पताल पहुंची। दरअसल पूरा मामला शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का है। मालूम हो कि बीते साल सुल्तानगंज थाना के प्राइवेट ड्राइवर मनीष कुमार को अब्जूगंज की रहने वाली साक्षी से प्यार हो जाता है। उसके बाद प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं। इसी बीच दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। एक प्राइवेट होटल में मनीष ने साक्षी के मांग में सिंदूर भरा और साथ जीने मरने की कसमें खाई, लेकिन ये शादी परिवार वालों को नागवार गुजरी और लड़के ने साक्षी को रखने के लिए मना कर दिया। इसके बाद देर रात साक्षी प्रेमी मनीष के घर पहुंच गई और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। साक्षी को भनक लग गई कि मनीष की कहीं और शादी हो रही है। इसके बाद प्रेमी के घर पहुंची पीड़िता ने सुल्तानगंज थाने में प्राइवेट ड्राइवर मनीष पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया, जिसका मामला महिला आयोग के न्यायालय में लंबित है। इधर प्रेमी की दूसरी शादी की खबर लगते ही प्रेमिका आग बबूला हो गई और उसके घर जा पहुंची। उधर घटना की सूचना के बाद महिला थानेदार किरण सोनी पहुंची। इसके बाद धरना पर बैठी युवती की पिटाई शुरू कर दी। महिला थानेदार युवती के बाल को पकड़कर घसीटती नजर आई। पुलिस की पिटाई से नाराज युवती ने पुलिस के सामने ही अपने हाथ का नस काट डाला। इसके बाद महिला थानेदार ने अपने दल बल के सहयोग से घायल अवस्था में साक्षी को सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज जारी है। मालूम हो कि दोनों प्रेमी युगल ने सुल्तानगंज के एक होटल में रहकर पहले शादी की, उसके बाद आंतरिक संबंध बनाए। होटल में शादी करने के बाद आरोपी ने कई बार साक्षी के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन अब वो शादी करने से मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता ने महिला आयोग में इसकी शिकायत की, जहां महिला आयोग ने दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता बनाकर एक दूसरे के साथ रहने की काउंसलिंग की। लेकिन जब लड़के के घर वाले मनीष की शादी दूसरी जगह लगाने लगे तो पीड़िता को इसकी भनक लग गई और लड़के के घर पर धरना पर बैठ गई थी। काफी समझाने बुझाने के बाद भी जब मामला शांत नहीं हुआ तो थानेदार ने उसकी पिटाई कर दी। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान पीड़िता ने बताया कि एक होटल में सुल्तानगंज थाने के प्राइवेट ड्राइवर मनीष कुमार ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया, उसके बाद उन्होंने शादी की, लेकिन अब वो साथ रखने से इनकार कर रहे हैं। परिजनों ने उनका शादी कहीं और तय कर दिया है। पुलिस पर भी उन्होंने आरोपी मनीष कुमार को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। महिला थानेदार किरण सोनी ने बताया कि एक केस की वादनी साक्षी कुमारी है, जो अपने प्रेमी के घर धरना पर बैठ गई थी। सुल्तानगंज पुलिस के द्वारा सूचित किया गया, हम लोग पहुंचे, मोबाइल में ब्लेड रखी हुई थी, इसी बीच उसने नस काट लिया, जिसे गंभीर हालत में सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वहां से बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल भेजा जाएगा। होटल में शादी किया मतलब है मनीष किया है, फरार है, उसको बुलाया जाए, मेरा कॉल ना उठा, ब्लैक लिस्ट में रखा है। शादी किया? एक साल हो गया शादी करने से। मैं तो ठहर गया हे भारत के वीर, तू कब ठहरेगा तू हे भारत के वीर, तू कब ठहरेगा। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लगातार अपनी नए नए तरीकों से समाज सेवा के साथ लोगों को जागरूक करते रहते हैं। वहीं अब उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए नया तरीका निकाला है। अब वो लगातार लघु फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। उनकी लघु फिल्मों की कहानी ऐसी होती है जो लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ संदेश भी देती है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अभी तक लगभग 10 लघु फिल्मों का निर्माण कर लिया है। वहीं अब उनकी नवनिर्मित लघु फिल्म इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा खूब पसंद की जा रही है। मैं तो ठहर गया बोल तू कब ठहरेगा नाम से बनी इस लघु फिल्म को लोगों के बीच जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इस फिल्म को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों व्यूज मिल चुके हैं। साथ ही लोग इस लघु फिल्म को जमकर लाइक कर रहे हैं और कमेंट में अपने विचार भी प्रकट कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर जब डॉक्टर अजय कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह फिल्म लोगों को यह बताती है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो लोगों को वहां से भागना नहीं चाहिए, बल्कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की रुककर जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही दुर्घटना के समय जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो भीड़ किस तरह से व्यवहार करे, इसको लेकर इस फिल्म में बताया गया है। और इस तरह से जो मैंने अभी फिल्म बनाया है, मैं तो ठहर गया तू कब ठहरेगा, तो इस तरह का
जो भीड़ की जो मनोदशा होती है कि कुछ नहीं देखना है, बस उसको पिटाई करना है, ये बहुत ही त्रासदी वाला है और इसमें लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि वो रुकते नहीं हैं, बचाते नहीं हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि लाखों करोड़ों लोगों को जागरूक करना हर क्षेत्र में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जान बचे। डॉक्टर अजय कुमार सिंह इस फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की कथा व पटकथा उन्होंने स्वयं लिखी है, साथ ही फिल्म में मुख्य किरदार को भी बखूबी निभाया है। इस फिल्म में उनके अभिनय की भी जमकर सराहना हो रही है। वहीं इस फिल्म का छायांकन, संपादन और निर्देशन अमित राज ने किया है। वहीं इस फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मुकेश मंडल, राजा मिश्रा ने अभिनय किया है, जबकि सत्यम, राकेश माही, रजनीश, विनय यादव, देवेश कुमार, नीतीश कुमार, राहुल कुमार सहित कई सहायक कलाकार शामिल हैं। फिल्म का कहानी मैं खुद बनाता हूं और कहानी क्या है, ये हकीकत है। ये रोज ऐसा दिखता है, रोज ऐसा होता है कि दुर्घटना होता है और लोग छोड़कर भाग जाते हैं। बस मैंने उसको एक रेखांकित किया है, मैंने डायलॉग लिखा है, उसको सजाया है और इसमें एक अमित जी हैं जो फोटोग्राफर भी हैं और डायरेक्ट करते हैं हमें, उनका और बाकी साथियों का सहयोग मिलता है। लेकिन ये अपने आप में उपजता है हमारे दिमाग में कि अब नेक्स्ट प्लॉट पर किस थीम पर बनाऊं कि ताकि लोगों में चेतना बढ़े और लोग जागरूक हो सकें। आगे कलाकार लोकल ही हैं, कोई ऐसा नहीं है, हमारे सहयोगी हैं, जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्य हैं, साथ में कुछ लोग और भी हैं जो अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं समाज में, उन लोगों से सहयोग लेकर मैं करता हूं। सब हमें फ्री में सहयोग देते हैं, मुफ्त में सहयोग देते हैं। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे सहयोगी हैं, वो लगातार हमारे साथ लगे रहते हैं और उनके बिना शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, इतना ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। सभी के साथ होता है तभी हम काम कर पाते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, डॉक्टर अजय कुमार सिंह इसके पहले भी कई लघु फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। उनकी सभी फिल्मों को लोगों ने जमकर सराहा है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए वो आगे भी इस तरह की लघु फिल्मों का निर्माण करते रहेंगे। अगर उनके प्रयास से लोगों में थोड़ी भी जागरूकता आई तो अपने आप को सफल मानेंगे। जहां चाह वहां रहा और हमारे दिलो दिमाग में ये है कि ये बहुत बड़ी त्रासदी है और इसके चलते हम समय निकालते हैं, अपना जो हमारा निजी टाइम होता है उससे निकालते हैं, या हम जो इंडोर पेशेंट रहता है उसको हम थोड़ा सा राउंड पहले दे देते हैं और इस तरह से निकालते हैं। स्वाभाविक है कि जो मन में एक आग लगी हुई है कि लोगों को जागरूक करें, सड़क दुर्घटना हो या बहुत सारी चीज़ों को मैं जागरूक करते रहता हूँ। कितनी सफलता हमें मिलती है वो लोग जाने, लेकिन हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे और बहुत लोगों से निवेदन करता हूँ आप भी आएं और जागरूकता में हिस्सा लें। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के
अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के जिलाधिकारी ने कनाडा, चेन्नई, तेलंगाना, टाटा आदि जगहों से पहुंचे सिल्क इन्वेस्टर व अन्य पदाधिकारियों के साथ जिला अतिथिगृह में बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि आज खासकर देश के विभिन्न भागों के उद्योगपतियों के साथ स्मॉल इन्वेस्टर मीट रखी गई है। भागलपुर की जो सिल्क कारोबारियों की खोई हुई प्रतिष्ठा है वह बहुत जल्द वापस आने वाली है। उन्होंने कहा कि यहां हम लोग सिल्क व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु जगह भी व्यवस्था करवाएंगे, साथ ही उद्योगपतियों से इन्वेस्टमेंट भी। एक स्मॉल इन्वेस्टर्स मीट स्पेशली जो सिल्क के कारोबारी है जितने भी हैं हमारे देश में विभिन्न जगहों से, जैसे चेन्नई सिल्क है, तेलंगाना से लोग इंडस्ट्रिस्ट आए हुए हैं, टाटा से तनेरा गैंग को देखने वाले हमारे इंडस्ट्रिस्ट आए हुए हैं, तो सभी लोगों और CII के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अन्य भी अधिकारी जन आए हुए हैं, तो उन लोगों के साथ हमारे जितने भी यहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं सिल्क के, उन लोगों को मैंने बैठक कराया है और हमारे देश के अन्य कोने से जितने भी इंडस्ट्रीज आए हुए हैं उनको हम जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है वो भी विजिट करा रहे हैं, ताकि यहाँ सिल्क के रोज़गार को काफ़ी बढ़ावा मिल सके। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ उन्हें सुरक्षा और साथ ही जो भूमि जो सरकार के द्वारा जो भी जहाँ भूमि दी जाती है या इंडस्ट्री स्पेस दिया जाता है वो भी हम लोग प्रोवाइड करें, ताकि सिल्क इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रोथ मिल सके और यहाँ के लोगों का उत्थान हो सके। और भागलपुर में जो हमारा सिल्क सदियों से काफ़ी फेमस रहा है, सिल्क सिटी फेमस रहा है, तो उसको हम रिवाइव कर सके, उनकी कोई भी प्रतिष्ठा को और हम बढ़ाव प्राप्त कर सके। भागलपुर के सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 जुलाई से प्रारंभ होना है। इसके लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर सदर SDPO धनंजय कुमार ने जिला के पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिस शिविर का निरीक्षण कर जायजा लिया। आपको बताते चले कि बांगला सावन के तीसरे दिन हजारों कांवरिया आज गविनाथ धाम से पैदल व वाहन से रवाना हो रहे हैं। इसके लिए सुल्तानगंज के सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को सजा लिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगा घाट में बैरिकेडिंग कर दी गई है। उद्घाटन मंच भी सज धज कर तैयार हो चुका है। इस बार श्रावणी मेला के उद्घाटन के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन होने की बात सामने आ रही है और इस बार मशहूर गायक हंसराज आने वाले हैं। वहीं कांवरियों ने बताया कि इस बार श्रावणी मेला की तैयारी अच्छी है, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था व पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको ठीक करने की जरूरत है। साथ ही दुकानदारों ने बताया कि अभी तक सामान की खरीद बिक्री का रेट चार्ट नहीं दिया गया है, जिससे कांवरियों को सामान बेचने में काफी परेशानी हो रही है। यहाँ सबसे पहले पानी का बहुत दिक्कत है, SD विभाग से इन्हें बताया जाए या प्रोस्टेटिंग में भी मिल दिया था कि घाट पर पानी पीने की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, लेकिन अभी तक पानी पीने का एक भी जगह नल न जल कहीं व्यवस्था है। कौन हमारा से कितने सालों से आ रहे हैं? हम लोग ये दूसरा साल हो रहा। तो कितने का वजन है ये कांवर का? हाँ 30-25 किलो का है। छत्तीसगढ़ पहली बार आए हैं यहाँ? देख मैं पहली बार आया, बाकी लोग आए हैं। तो यहाँ घूमे हैं आप लोग अभी? कैसा लगा यहाँ अजगैबीनाथ धाम? अभी तो गए नहीं हैं, यहाँ के होटल क्या है सब देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। जी जी। कब लोग आप लोग कब जल उठाइएगा? अभी जाएंगे, आज ही बाबा धाम जल आज ही उठाइएगा। जी ये तो दिक्कत, कितना आदमी आया आप लोग? कितना एक घंटा पहले दे दिए? 30। भागलपुर के कहलगांव के बुद्धूचक थाना अंतर्गत एक डारा के एक महिला अपने ही पति का सर्विस बुक खोजने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। बताते चले कि चौकीदार पेरू पासवान का ड्यूटी के दौरान मौत हो गया था। मौत होने के बाद सर्विस बुक कहलगांव मंडल के अंचलाधिकारी कार्यालय में जमा है। स्वर्गीय पेरू पासवान की पत्नी प्रियंका देवी की अनुकंपा पर नौकरी होने वाली है। कब जिलाधिकारी सर्विस बुक की मांग कर दे? जब सर्विस बुक ढूंढने के लिए वो कहलगांव अंचल कार्यालय पहुंची तो मालूम चला कि अंचल कार्यालय से पेरू पासवान का सर्विस बुक ही गायब है। अब आप सोच सकते हैं जब सरकारी कार्यालय सुरक्षित नहीं है तो लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। वहीं महिला ने बताया कि भरण पोषण में काफी दिक्कत होने लगी है, बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई है। तो क्या अब दिक्कत आ रहा है आपको? क्या नौकरी नहीं मिल रहा है? क्या दिक्कत? नौकरी नहीं मिल रहा है।
डीएम साहब के वहाँ लिए ना, और वहाँ मेरा तो सर्दी है तो बोले बाहर नहीं करेंगे। फिर हम चल गए यहाँ सिरसा मैदान में, वो बता था कि हम खुद आते हैं तो डेढ़ साल से तो आए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। एसडीओ कहलगांव के पास गए तो क्या बोला? वो बोल रहा था हम खोजवा रहे हैं, अब खोजवाते खोजवाते अभी डेढ़ साल हो गया था, कोई मतलब सूचना नहीं दे रहा था। आप मतलब आपके घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं था, कि हम ही कमाने वाला है। कितने बच्चे हैं आपको? चार। कैसे भरण पोषण होता है, क्या करते हैं? कटने लोगों खेत में कटने जाते हैं, काटने के लिए खेती गृहस्थी करते हैं? नहीं खेती गृहस्थी नहीं, मतलब काटने बहने जाते हैं दूसरा खेत में। तो दूसरा खेत में मतलब काटने के लिए जाते हैं, आपको दिन ही मिलता है? हाँ दिन ही मिलता है। बहुत से दिक्कत और बहुत दिक्कत था। कहाँ कहाँ इनका आवेदन दिए? इनका खाली माथी में दिए हैं, और सीओ साहब बोला माँ डीएम साहब को जाने के लिए, फिर अथी कौन सी कहते हैं यहाँ पे इंटू बगल में जैसे सीओ साहब के बगल में कौन सी कहते हैं लोक अदालत में दिए। और आप इसके सूचना उच्च अधिकारी को नहीं दिए? एसपी दिए? हाँ वही सूचना मतलब दिया था ना जमा करने के लिए, तो बोल रहा था कि हम कौन सी करेंगे, आप और जनता हम खोजबे करते हैं। हाँ। से जाइए डीएम से मिलिए, डीएम क्या बोलता है नहीं बोलता है। हाँ। डीएम साहब को ये बोले थी लेके, तो क्या बोला डीएम साहब, ठीक है हम सीओ साहब मैडम के फोन करते हैं। फोन करते करते अभी परेशानी कर रहा था, वो बोला था कि डीएम साहब बोला था कि ऐसा फेसबुक लगा के नहीं दिया जाता, मुझे नहीं कौन कैसे करिएगा, हम कहाँ से ऐसे करेंगे। तो अब ये जो डीएम साहब को आप दिए हैं तो क्या संतावना कुछ मिला है? नहीं कोई भी खाना पूछती कुछ नहीं। तो इनका क्या मतलब सर्विस बुस किसके अंदर रहता है? हाँ यहाँ अंचल में रहता है, इसी डीएम ब्लॉक में। ब्लॉक में रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक के बैनर तले 21 सूत्री मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों ने काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन दिया था जिसमें 3 दिवसीय 19 से 23 जुलाई तक काला बिल्ला लगाकर होमगार्ड जवान काम का विरोध जताएंगे, ऐसी बात कही गई थी। इसके बाद भी यदि उन लोगों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया तो ये लोग बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक के भागलपुर उपाध्यक्ष पवन कुमार यादव ने बताया कि भागलपुर मुख्यालय द्वारा कई बार गृह रक्षकों के समस्याओं का समाधान के लिए लिखित और मौखिक अनुरोध किया गया, बावजूद गृहरक्षकों के प्रति सरकार और प्रशासन का नजरिया उदासीन रहा। उन्होंने कहा वे लोग सरकार के थाना, यातायात, शराबबंदी, बैंक, बिजली, नगर निगम, डाकघर, टेलीफोन, अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों में 24 घंटे सरकार के साथ काम करते हैं, बावजूद 8 वर्षों में 774 रुपये भत्ते के रूप में दैनिक भत्ता दिया जाता है जो बढ़ती महंगाई के अनुरूप काफी कम है। उन्होंने कहा कि जबकि देश के अन्य राज्यों में बिहार की अपेक्षा ज्यादा भत्ता और वेतन मद में भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पटना ने अपने फैसले में समान काम का समान न्यायाधीश पारित किया है मगर सरकार इस आदेश की अनदेखी कर रही है। साथ ही गृहरक्षकों ने ड्यूटी पर मौत अथवा पूर्ण दिव्यांग होने पर आश्रितों को अनुकंपा का लाभ देने की भी मांग की है। इन लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो ये लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पूरे बिहार के संघ प्रतिनिधि जो है सभी जिला में सरकार से आगाह किया गया है कि सरकार अगर हमारी मांगे को नहीं मानती है तो बिहार के तमाम जिला में जो है 19 से 23 तक जो है सभी बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के जवानों ने जो है पूरे जिला में अपना काला बिल्ला लगा करके अपने कर्तव्य पर जो है कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। यह 5 दिन का जो है काला बिल्ला का जो है दिशा निर्देश जारी जो है जिला मुख्य राज्य के द्वारा जो है निर्धारित किया गया है। अगर राज्य सरकार इस पर हमारी मांगे के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालता है तो फिर एक दिवसीय जो है धारणा जिला पदाधिकारी के समक्ष होगी। सब विभाग में छुट्टी है, हम लगातार हम लोग ड्यूटी करते हैं, महीनों महीनों ड्यूटी करते हैं। यदि हम लोग छुट्टी का मौका आता है तो कहता है कि आप लोग छुट्टी नहीं है, नहीं छोड़ा जाएगा, हम लोग जाते हैं तो पैसा काट लेता है। सब विभाग में छुट्टी है, लेकिन अभी हम लोग काला बिल्ला 19 तारीख से 23 तक हम लोग काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। संघ के निर्देशानुसार जो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्देश हुआ है पटना में बैठक में, इसके बाद यदि सरकार 5 अगस्त तक हमारा बात को अनसुना कर दिया तो हम लोग एक दिवसीय धरना पुनः 5 अगस्त को जिलों में जिला पदाधिकारी के समक्ष धरेंगे। इस पर भी यदि सरकार हम लोगों के प्रति ध्यान नहीं दिया, हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करता रहा तो हम लोग पुनः 31 अगस्त को पटना में पूरे बिहार का नेता लोग हम लोग बैठेंगे
और उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। जैसे कि हो सकता है कि हम लोग सारा ड्यूटी छोड़ देंगे, हो सकता है कि जब हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं तो कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं। हम बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ जिला सचिव विभास कुमार झा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे। मद्य निषेध अधिनियम के तहत शराब तस्करी के मामलों में अब विशेष अदालत उत्पाद में कांडों के निष्पादन में तेजी लाई जा रही है। फिर भी कहीं न कहीं शराब तस्कर सक्रिय नजर आते हैं। मामला मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान विदेशी शराब के साथ दो तस्कर सहित लग्जरी कार को जब्त किया गया था। बता दें कि जवान मनोज पासवान और उनके साथी पुलिस पासवान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तस्कर मनोज ने पुलिस के समक्ष बताया कि स्टेशन पर उतरने के बाद उसे देखा कि गांव के एक व्यक्ति कार से अपने गांव जा रहा था। उसने लिफ्ट ली और कार पर सवार हो गया। हालांकि पुलिस के सूत्रों ने पुलिस को बताया कि उक्त शराब की खेप लेकर रेल रूट से बीएमपी जवान ही भागलपुर पहुंचा था, अपने साथी के साथ शराब लेकर अपने गांव जा रहा था। वहीं बाद में पुलिस द्वारा की गई सख्ती के बाद मनोज पासवान ने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की। मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर के रास्ते बौसी रोड होते हुए एक कार से शराब की खेप जगदीशपुर ले जाई जा रही थी। उक्त सूचना के बाद उन्होंने विशेष वाहन जाँच टीम का गठन किया। वहीं गठित टीम ने बाल्टी कारखाना चौक पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस टीम ने देखा कि गोरट्ठा चौक की ओर से आ रही एक सफेद रंग की कार पुलिस चेकिंग देखकर रुक गई और चालक ने कार को घुमाने का प्रयास किया, पर पुलिस ने कार को रोक लिया और कार से उतरकर भागने का प्रयास किया। मनोज पासवान और पुलिस पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार की तलाशी के दौरान दो पिट्ठू बैग में रखी 15 व्हिस्की की बोतल, 3 वोदका की बोतल और 3 बियर के कैन बरामद किए गए। वहीं सिटी एसपी राज ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके दौरान एक कार को रोका गया जिसके पास से शराब बरामद किया गया। साथ ही दो तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक की पहचान मनोज पासवान तो दूसरे की पुलिस पासवान के रूप में हुई है। मनोज पासवान बीएमपी का जवान है। विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी, पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था, इसमें एक नाकबंदी की गई है और एक फोर व्हीलर को डिटेन किया गया। तलाशी उपरांत इसमें तकरीबन 15 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है और गाड़ी में उपस्थित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मनोज पासवान है और एक का नाम पुलिस पासवान है। मनोज पासवान बीएमपी में कार्यरत है सिपाही के पद पे और विसंबद्ध कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के मंदरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर परिसर में आयोजित हुई श्री श्याम भजन व प्रवचन कार्यक्रम। इस मौके पर सैकड़ों श्याम भक्तों ने गुरुजी के मुखारविंद से भजन व प्रवचन का लाभ उठाया। भक्त अभिषेक बजोरिया ने कहा, गुरु पूर्णिमा के आगमन से पूर्व गुरुजी पदार्पण भागलपुर स्थित खाटू श्याम मंदिर परिसर में होता है। आज का कार्यक्रम अंतिम दिन है, फिर ये देवघर प्रस्थान कर जाएंगे। इस वर्ष का विशेष संदेश गुरुजी ने वृक्षारोपण करते हुए कहा कि अपने बच्चे के जन्मदिन पर केक न काटकर एक एक वृक्ष अवश्य लगाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी ग्लोबल वार्मिंग से और खुद अपनी जिंदगी को बचा सके। जी महाराज का भागलपुर पदार्पण हुआ है। हर साल गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष में वो भागलपुर आते हैं। इसी उपलक्ष में उनका इस बार भागलपुर वापस पदार्पण हुआ है। इस उपलक्ष में आज कार्यक्रम की शुरुआत में सुबह इन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया और इनका संदेश था कि भाई पूरी दुनिया में हर जगह लोग कंक्रीट का जाल बिछा रहे हैं, वृक्ष खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इनका संदेश ये है कि भाई हर इंसान जैसे अपने बच्चों के जन्मदिन पर केक काटते हैं, वो केक ना काट के हर परिवार अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाए। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुरुजी का यहाँ पर श्याम भक्त मंडल मंदरोजा में इनका इनकी वाणी का आनंद उठाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मारवाड़ी महाविद्यालय इकाई द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और द्वितीय मासिक क्विज प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया। कॉलेज अध्यक्ष शिवसागर ने बताया कि विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में ऐसे अनेकों कार्यक्रम कर देश को पुनः विश्वगुरु बनाने का संकल्प को लेकर कार्य करने वाली एकमात्र छात्र संगठन है और ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम करवाकर छात्रों के अंदर छुपे हुए हुनर को उभारने का मौका प्रदान करती है। क्विज प्रभारी प्रिंस कुमार ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए प्रतियोगिता में टॉप
टॉप 20 पर आए छात्रों की घोषणा की। पहले स्थान पर साहिल, दूसरे स्थान पर मंतसा, तीसरे स्थान पर अमरजीत, चौथे स्थान पर विक्की और पांचवें स्थान पर रहे पार्थ सारथी को शील्ड एवं 20 प्रतिभागियों को मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागी अंशु, एलेक्स, अतुल, दीपशिखा, जिया, सिद्धि, निष्ठा, आंचल को प्रमाण पत्र व मेडल से सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए अगले तृतीय मासिक कुछ प्रतियोगिता की घोषणा की गई। कार्यक्रम में मंच संचालन आयुष सिंह और धन्यवाद ज्ञापन प्रिंस कुमार ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री हैप्पी आनंद, जिला संयोजक रोहित राज, नगर मंत्री गौतम साहू, प्रदेश कार्यकारिणी आशुतोष कुमार एवं कुणाल पांडे, पूर्व कॉलेज अध्यक्ष पीयूष आनंद, नगर सह मंत्री प्रांजल, कॉलेज अध्यक्ष शिव सागर, प्रिंस कुमार, आयुष सिंह, कृष्णा, बिक्की आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।